अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टेस्टी फूड। आज हम टेस्टी फूड में बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी आलू पकौड़ा न्यू स्टाइल में, जिसके लिए हमने 5 से 6 आलू लिए हैं। उनको जो है हमने छील के और ग्रेट कर लिया था। उसको हमने पानी में डाल दिया है। 1 एग लिया है। 2 हमने बड़ी साइज़ की जो है वो हरी मिर्च ली हैं। 1 टेबल स्पून हमने हरा धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। कॉर्नफ्लावर लिया है हमने 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने चावल का आटा लिया है। 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्च ली है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक लिया है। तो ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे हमें जो है वो पकौड़े बनाने के लिए। अब हमने जो आलू लिए हैं पानी के अंदर, इसको हम निचोड़ लेंगे बिल्कुल पानी से। बिल्कुल इसके पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल इस तरह से हमने इसको कर लेना है। पानी को, पानी से इसको निकाल लिया आलूओं को बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के। अब इसके अंदर हम सामान ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, अंडा, हरा धनिया, और ये जो हमने कॉर्नफ्लावर। और हम इस सब चीज़ों को जो है वो आलू के अंदर मिक्स कर देंगे। बैटर जो है वो हमारा, जो हमने आलू का लिया था वो हमारा मिक्स हो गया है। अब इसको हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऑयल डाला है। अब इसको हमने जो है वो इसमें डाल देंगे हम अपने पकोड़े। ऑयल हमने बिल्कुल गर्म रखना है। और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक तलने हैं। हमारे पकोड़े जो है यहाँ पे तल गए हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह हम जो है वो सारे तलते जाएंगे। तो तैयार है यहाँ पे हमारे बहुत ही क्रिस्पी से मजे के पकोड़े, जो आप जो है वो टी टाइम में बनाए एंजॉय करें। और इसको आप जो है केचप और रायते के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी पकौड़ों की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इससे हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।